हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कैसा भी बिजनेस कर रहे हैं, तो और आपकी प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो मैं सिंपली एक लाइन में ये बोलना चाहूंगी कि ये जो रेमेडी है ना, ये इसको वन लाइनर अगर दूं तो ये इसका वन लाइनर है कि इतने कस्टमर्स आएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि दुकान में कस्टमर ही नहीं आते, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो और क्लाइंट ही नहीं आते, मतलब आ ही नहीं रहे, लोग ही नहीं आ रहे, अभी क्या करें। जो जिससे आप पैसा कमाते हो, अगर वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही है, कोई कॉल ही नहीं कर रहा है, कोई बुला ही नहीं रहा है, इंटरव्यू के लिए ही नहीं बुला रहा है। जॉब मिलना ना मिलना तो बात की बात है, लेकिन इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहा है। सेल होना ना होना तो बात की बात है, लेकिन लोग आ ही नहीं रहे, फुटफॉल ही नहीं है। ठीक है, शॉप में फुटफॉल नहीं है, शोरूम में फुटफॉल नहीं है, बुटीक में फुटफॉल नहीं है, सलून में फुटफॉल नहीं है, कहां कोई सा भी एस्टैब्लिशमेंट अगर ये बात करता है कि फुटफॉल नहीं है, या कोई बंदा ये बात करता है कि जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आती है, तो ये एक वीडियो आप ही के लिए है। इसको बहुत ध्यान से और बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा। ये चीज तो आप बोलना भूल जाओगे कि कस्टमर नहीं आते, इतने कस्टमर आएंगे कि एक्चुअली में आप संभाल नहीं पाओगे उनको। ये इतनी ज्यादा पावरफुल रेमेडी है। तो देखिए, सुनिए ध्यान से मेरी बात, अब करना क्या है। ऑल्दो मैं ये सारी चीजें नॉर्थ के रूप में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो मेरी पुरानी वीडियोस है उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि एग्जैक्टली आपको नॉर्थ में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। तो ये जो आज रेमेडी बताने जा रही हूँ, ये करने से पहले इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो नॉर्थ में बाकी सारी चीजें ध्यान रखने वाली हैं वो जरूर से जरूर देख लेना। नॉर्थ को पहले क्लियर कर लेना, वहां से एंटी एलिमेंट्स हटा देना, एंड देन मतलब नॉर्थ में आपके घर के नॉर्थ में, जब आप घर के बीचों बीच खड़े होकर नॉर्थ कैसे निकालेंगे वो भी सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दी हुई है जिनमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, नॉर्थ देखना कैसे है, अपने घर का, अपने ऑफिस का, अपनी दुकान का नॉर्थ देखना कैसे है, और नॉर्थ में क्या चीजें रखनी है, क्या चीजें नहीं रखनी है, और वहां पर अगर कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट है तो उसको ट्रीट कैसे करना है, ये सारी चीजें बता चुकी हूँ। लेकिन आज एडवांस रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, और वो एडवांस रेमेडी है, आप नॉर्थ में एग्जैक्टली जो जीरो डिग्री है ना आपके ऑफिस का एंड ऑल, वहां पर आप एक कुबेर जी की मूर्ति रखेंगे। इस कुबेर जी की मूर्ति की खासियत या उसकी विशेषताएं जो मैं बताऊं, इसकी एग्जैक्ट, ये वास्तु रेमेडी है। तो वास्तु रेमेडी जब भी की जाती है तो उसकी एक अलग स्पेसिफिकेशन, उसके कुछ समीकरण होते हैं, कुछ मेजरमेंट्स होती हैं। ऐसे कोई भी उठाकर, कोई भी कुबेर जी की मूर्ति ब्रास से बनी हुई, कोई भी कुबेर जी की मूर्ति नहीं रखनी है, ये स्पेशल समीकरण वाली कुबेर जी की मूर्ति ही आपको नॉर्थ में रखनी है। इसके समीकरण क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो ये एक वास्तु रेमेडी है, 190 ग्राम वेट होना चाहिए, एग्जैक्टली 190 ग्राम, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, और 9 इंच की हाइट होनी चाहिए। जो ये हाइट है वो 9 इंच की होनी चाहिए, 190 ग्राम का वेट होना चाहिए, और ये बनी होनी चाहिए पंच धातुओं से, अभी पंच धातुओं से बनी हुई। और ये कुबेर जी, ये जो है ना, इनको भगवान मत समझिएगा, ये यक्ष है, ये एक सिंपल प्योर वास्तु रेमेडी है, और इनको आपको अपने ऑफिस के, अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट के नॉर्थ जोन में रखना है, और इनका जो मुंह है वो होना चाहिए साउथ की तरफ, मतलब ये नॉर्थ में बैठे, इनको आप नॉर्थ में रखिए, किसी भी पाटे के ऊपर, किसी भी टेबल स्टैंड के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आप इनको रख सकते हैं, जमीन पे मत रखिएगा, बस इनको आप किसी भी पाटे के ऊपर, किसी भी टेबल वेबल के ऊपर आप रख सकते हैं, और ये इनका जो फेस होगा वो साउथ को देख रहा होगा, खुद ये नॉर्थ में होंगे और इनका फेस साउथ को देख रहा होगा। दिस इज अ वेरी 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 पावरफुल रेमेडी। और ये जो कुबेर जी है, इनको आपको कपड़े नहीं पहनाने, इनके सामने धूप बत्ती दिया बत्ती ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये कंप्लीटली प्योरली एक वास्तु रेमेडी है। यक्ष कोई भगवान नहीं है, ये यक्ष है, बेसिकली कुबेर जी यक्ष है, ये कोई भगवान नहीं है। लेकिन हमारी टेंडेंसी हो जाती है ना कि जो बस चीज पैसा दे रही है वो भगवान है, ऐसा नहीं है। इसको वास्तु रेमेडी है, इसको वास्तु रेमेडी की तरह से ही ट्रीट कीजिए, ठीक है। और ये जो कुबेर जी की मूर्ति है, इसको हम सिर्फ एक दिन पूजते हैं, या फिर इसकी, इसको पूजा स्थान पर सिर्फ एक दिन रखते हैं, वो होती है दिवाली की रात। आप मेरी वीडियोस देखेंगे, मैंने पूरा दिवाली की रात पर किस किस तरह से पूजा करनी चाहिए उसकी भी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दूसरा, और क्या करेंगे नॉर्थ में, नॉर्थ में आप रखेंगे 5 क्लियर स्टंप,
5 क्लियर स्टंप। ये जो क्लियर स्टंप है ना, ये बहुत 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 ज्यादा पावर देते हैं जब ये नॉर्थ में रखे जाते हैं। अगर नॉर्थ डिस्टर्ब्ड है, या मैं कह सकती हूँ कि नॉर्थ छोटा है, नॉर्थ कटा हुआ है, नॉर्थ वीक है, किसी भी कारण की वजह से नॉर्थ वीक है, नॉर्थ की एनर्जीज वीक है, तो आप एक बाउल में डालकर 5 क्लियर स्टंप एक बाउल में डालकर आप रख सकते हो। क्लियर स्टंप बहुत रेयर है। क्लियर स्टंप का मतलब है बिल्कुल आर पार दिखने वाली चीजें, जैसे कि आप ये देख रहे हो मेरे हाथ में एक क्लियर स्टंप है, और ये कितने क्लियर है, ये कांच नहीं है, ये कोई भारी कांच नहीं है। जैसे कि आज की डेट में आप मार्केट में जाओगे ना, तो आपको कुछ लोग भारी कांच दे देंगे, भारी कांच नहीं है, ये एक्चुअल प्योर क्रिस्टल है। ये बहुत रेयर है और बहुत ज्यादा ही बहुत मुश्किल से मिलता है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। नीचे लिंक में ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहली कमेंट में भी इसका पूरा आपको दिया जाएगा। एनर्जाइज रेमेडी वालों ने ये क्लियर स्टंप रखे हैं, लेकिन अगर आज से 4-5 साल बाद आप ये वीडियो देखोगे तो मुझे नहीं पता कि एनर्जाइज रेमेडी वालों के पास भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर एक रॉक होती है। अगर कोई प्रॉपर रॉक, इतनी क्लियर रॉक अंदर से निकलती है, समुद्र के अंदर से निकलती है इतनी क्लियर रॉक, उसको कटिंग करके ये टंबल्स बनाए जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। तो ये डिपेंड करता है कि वो उतनी क्लियर रॉक दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये क्लियर रॉक का पत्थर है, ये आप जिंदगी भर अपने नॉर्थ में रख सकते हो। एक बार ले लिया और उसके बाद जिंदगी भर अपने नॉर्थ जोन में रख सकते हो, कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि अरे अरे क्रिस्टल्स वगैरह कुछ नहीं होते, इनका क्या होता है क्या नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है कि बेसिकली क्रिस्टल्स को यूज कैसे करते हैं। आप नॉर्थ में रखिए, लेकिन ये नहीं कि एक बार ले आए फिर जिंदगी भर नॉर्थ में पड़े हुए हैं। ये इनको क्लीन करना होता है, जिससे कि ये क्लीन होके वापस से अपने फुल एनर्जी में काम कर सके। इनको हर महीने क्लीन करना होता है। इनका क्लीनिंग प्रोसेस भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा समझाया हुआ है, और कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इनको क्लीन करने का कोई प्रोसेस नहीं है। सिंपल सी बात है, इन क्रिस्टल्स को आपने अपने नॉर्थ जोन में रखा हुआ है ग्लास बाउल में, उस ग्लास बाउल को बाहर जाकर रख देना है। पूर्णिमा की रात को, हर पूर्णिमा की रात को आपको अपने क्रिस्टल्स को बाहर निकालना है, जिससे कि आपके क्रिस्टल्स फ्रेशन अप हो सके, वापस से अपनी एनर्जी गेन कर सके, जो कि चंद्रमा की एनर्जी से क्लियर होते हैं। तो चंद्रमा की एनर्जी अपने फुल स्विंग पर होती है पूर्णिमा की रात को, उस टाइम पर आपको इन्हें बाहर निकाल के रखना ही रखना है, इफ यू वॉन्ट कि आपके लिए ये क्लियर स्टंप काम करें। तो ये क्लियर स्टंप बहुत रेयर है और बहुत ही अमेजिंग है, मतलब बहुत ये मौके की बात है कि इस समय इतनी क्लियर रॉक का क्लियर स्टंप आया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार ये आए, अभी है। अब तीसरा उपाय क्या है कि आप अपने नॉर्थ में, आपने कुबेर जी की मूर्ति रख दी है, आपने क्लियर स्टंप रख दी है, 5 क्लियर स्टंप रख दी है, उसके बाद आप नॉर्थ में एक मनी प्लांट लगा सकते हैं। चौथी रेमेडी क्या है? मनी प्लांट, हमेशा देखना कि मनी प्लांट की जो बेल है ना, वो ऊपर को जा रही हो, नीचे को नहीं जा रही हो। नॉर्थ में मनी प्लांट लगाना, चौड़े पत्तों वाला मनी प्लांट का पौधा लगाना बहुत अच्छा है, लेकिन बेल हमेशा ऊपर चढ़नी चाहिए, बेल नीचे नहीं गिरनी चाहिए उसकी। चौथी रेमेडी क्या है? अगर आप आपके जो भी कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, अगर अननोन है, अननोन इन द सेंस कि जैसे शोरूम है आप किसी का, अब शोरूम है तो उनको तो नहीं पता ना आज कौन से कस्टमर आ जाएंगे, आज कौन से क्लाइंट्स आ जाएंगे, तो उनको तो कुछ नहीं पता, तो वो सिंपली बहुत सारे लोगों की, एक जन समूह की फोटोग्राफ जो कि शॉपिंग कर रहे हैं, इस तरह की फोटोग्राफ अपने नॉर्थ जोन में लगा सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट्स स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक इन द सेंस कि आपके कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप बिजनेस करते हो, तो उन क्लाइंट्स की फोटोग्राफ अपने साथ आप नॉर्थ जोन में लगा सकते हो। अगर आप जॉब करते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके आपका रिज्यूम हो गया, आपका करिकुलम विषय हो गया, वो करिकुलम आप अपना करिकुलम विषय, अपना रिज्यूम आप नॉर्थ जोन में रख सकते हो। या फिर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो उस स्पेसिफिक कंपनी का लोगो आप नॉर्थ जोन में लगा सकते हो। ये सारी चीजें, मतलब लिटरली मैं ये जो नॉर्थ जोन में वो लोगो लगाने वाला था ना, ये तो इतने लोगों के साथ काम किया है जिसका कोई काउंटिंग नहीं है। मतलब लोगों को अपनी मनचाही कंपनी में जॉब मिली है। कई बार क्या होता था कि हमारे एक बहुत ही अच्छे जानने वाले भी कह सकते हैं, उनको मेरे क्लाइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि अब इतने लंबे समय से जानती हूँ, तो जानने वाले ज्यादा हो गए, क्लाइंट कम हो गए,
उनको मतलब वो बिल्डर है और उनके साथ क्या था कि उनको स्पेसिफिकली एक पर्सन के साथ अपना बिजनेस रिलेशनशिप बनाना था और वो बिजनेस रिलेशनशिप बना नहीं पा रहे थे, बहुत समय से ट्राई कर रहे थे। मैंने सिंपली उनको बोला कि उनकी फोटोग्राफ अपने घर के नॉर्थ में लगा दो। उनको उनके साथ एक बिजनेस कनेक्शन बनाना था, वो बना नहीं पा रहे थे, तो सिंपली मैंने ही बोला कि उनकी जो फोटोग्राफ है ना उस पर्सन की, जिस पर्सन के साथ आप बिजनेस कनेक्शन बनाना चाह रहे हो, पैसे से रिलेटेड था वो। ठीक है, यहां पर ये बात ध्यान रखना, ये कनेक्शन पैसे से रिलेटेड था, उनके बिजनेस से रिलेटेड था, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड था। उनकी फोटोग्राफ हमने उनके नॉर्थ में लगा दी और नॉर्थ में, नॉर्थ ऑलरेडी ट्रीटेड था, सब कुछ नॉर्थ में, चीजें जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताई है वो सब चीजें हमने उनके घर में कर रखी थी। उसके बाद हमने उनकी फोटोग्राफ जिनसे वो चाह रहे थे नॉर्थ में लगवा दी। विद इन टू डेज सामने से उनका फोन आया कि आप बहुत टाइम से मिलना चाह रहे थे और हमारी मीटिंग नहीं हो पा रही थी, तो मीटिंग रख लेते हैं। एंड ही इज सो हैप्पी, लिटरली भी उन्होंने फोन शायद रखा होगा और तुरंत ही दूसरे फोन से मुझे फोन मिलाया और बोला कि अनुरंजनी जी ये कमाल हो गया, मतलब आपने कोई जादू टोना टोटका किया है क्या? मैंने कहा मैंने कोई जादू टोना टोटका नहीं किया ना, मुझे करने आते, सिंपल सी बात है, ये बहुत इफेक्टिव रेमेडीज है। और ये मैं ही नहीं करती हूँ, जितने लोगों ने मुझसे वास्तु सीखा है वो खुद बोलते हैं कि मैम जब रिजल्ट्स आते हैं ना तो लगता है कि क्या ये सचमुच में हमारे कुछ करने से हुआ है या होना ही था तो हो गया, मतलब समझ में नहीं आता एक्चुअली, वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जो भी लोग वास्तु मुझसे सीखे हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने सीखी है, न्यूमरोलॉजी जिन्होंने सीखी है, वो लिटरली में जब वो लोग मुझे रिजल्ट्स बताते ना कि हमने ये काम किया और ऐसा हो गया, मतलब उनकी आंखों की चमक देखते ही बनती है और मुझे खुद लगता है कि वाओ, मतलब यही शायद एक यही मजा है जो कि मुझे इस फील्ड में बनाए रखता है। ये जब आप लोग अपनी चीजें भेजते हैं ना कि मैम हमने ये किया और ऐसा हो गया, मैम हमने ये यहाँ पर घोड़े की तस्वीर लगाई और देखो दो दिन में रिजल्ट आ गया, मैम हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर रखवाया और प्रॉपर्टी बिक गई, तो विद इन अ वीक प्रॉपर्टी बिक गई, तो ये जो ये रिजल्ट है ना ये मुझे इस फील्ड में बनाए रखते हैं और यही मुझे सेटिस्फेक्शन दिलाते हैं। और मुझे मैं बार बार अपने आप से कहती हूँ वाह यार अच्छा हुआ मैंने सीए का प्रोफेशन छोड़ दिया। बहुत लोगों का ये सुनने के बाद अरे सीए बन के सीए छोड़ दिया, सीएस बन के सीएस छोड़ दिया, सीए और सीएस तुम क्वालिफाइड हो, सीए और सीएस और उसके बाद भी ये कर रही हो, अरे यार क्वालिफाइड सीए और सीएस हूं मैं, लेकिन मुझे ये प्रोफेशन जो सीए है सीएस है शायद बहुत ज्यादा पैसे दे सकता था, लेकिन ये जो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन है ना, ये जो एक्सट्रीम लेवल का सेटिस्फेक्शन है, ये मुझे और कोई भी विद्या मुझे इस तरह का सेटिस्फेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकती थी जो आज मैं कर रही हूँ, जो इतने सारे लोगों तक जो ये फायदा पहुंचा रही हूँ, इतने सारे लोगों को बेनिफिट जो मिल रहा है ना, शायद परमात्मा ने मुझे इसी वजह से जन्म दिया था एंड दिस इज माय लाइफ पर्पस। और आपको आपका लाइफ पर्पस कैसे पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक यही रखते हैं कि हमें हमारा लाइफ पर्पस, हमको पैदा क्यों हुए हम, हर इंसान एक स्पेसिफिक लाइफ पर्पस के साथ पैदा हुआ है, कुछ करने के लिए हम आए हैं, क्या हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा और क्या करें कि हमें पता चल जाए कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, जिससे कि जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना यू कैन अचीव दैट। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूं, आज के लिए बहुत 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 धन्यवाद, मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।